फाइनली भाई हम लोग पहुंच चुके हैं गोवा। कुछ भी आइडिया नहीं, फर्स्ट टाइम में भी ट्रेन से आ रहा। फर्स्ट बस करी थी जो मापुसा तक आई थी, अभी हमने सेकंड बस करी जाएगी। ये बस कलंगद बहुत भारी बैग मतलब हम लोग ने टैक्सी पूछा था तो 850 रुपीज़ बोल रहा था यहाँ तक आने का। हमने ना बस पकड़ लिया मापुसा तक और मापुसा से यहाँ तक, टोटल 240 रुपीज़ में हम लोग यहाँ पर फाइनली अपना नाश्ता आ गया। स्कूटी हमने रेंट कर लिया, हम लोग निकल चुके पेट्रोल पंप के। अरे भाई ने ले लिया चटिया मस्त, तो क्या बार्गेन करा है भाई, इम्प्रेसिव भाई, मैं तो मान लिया। फाइनली होटल पर आ चुके हैं हम और ये लोग हमें मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक रूम खाली हुआ नहीं है। टिल देन हम लोग यहाँ पर मस्त चिल करने वाले हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज स्वप्निल का चैनल मैंने टेक ओवर कर लिया है और स्वप्निल यहाँ पे नहीं। गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके गोवा के लिए और ये हमारे अमू मैडम बिना कुछ भी मेहनत करते हुए, ये दो बैग से एक ट्रॉली है, ये है एक, ये बैग है मैं खुद ने पहन रखी। तेरे साथ में स्कैम हो गया। क्या हुआ? हाँ यार मेरा बैग ये ले लिया, प्रीतम ने मुझे उसका बैग चिपका दिया क्योंकि मैंने वजन डाल दिया उसके बैग में। पर कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा। बूढ़ी भाई की हमारी ट्रेन 8 बज चुके, हम लोग अभी तक पहुँचे नहीं है। गाइस फाइनली थोड़ा सा एक्टिंग करने के बाद अपनी बैग अपने को रिटर्न मिल चुकी है। प्रीतम ने अपनी बैग ले लिया ड्रिफ्ट मारते हुए, भीड़ है क्योंकि ऑफिस छूटने का टाइमिंग है। ले रखा चाइनीज़, आज के रात का ट्रैवल का खाने का जुगाड़। नॉनवेज खोल के पता चलेगा अब तो जो है। फाइनली हम लोग स्टेशन तो पहुँच गए लेकिन अभी तक ट्रेन नहीं लगी है। भाई फाइनली हमें ट्रेन मिल चुकी है और हम लोग निकल चुके कल्याण से। और ये रही हम, हमें ये सीट नहीं मिल पाई हमने, और ये हमारे ये हमारे और फ्रेंड साक्षी ये भी आ रही है और प्रीतम गया है वॉशरूम तो उनको वहाँ सीट मिली, हमें यहाँ सीट मिली है। अब फिलहाल ना हमने वेटिंग बहुत ज़्यादा दी, वरना हमने ये बुक करी थी लेकिन मिली नहीं, ये मिल गई। नसीब है, कभी हमें एटलीस्ट बैठ के जाने मिलेगा। जिसको सोना रहेगा ऊपर चला जाएगा, ऊपर सो जाएगा, ऊपर का सामान नीचे चला जाएगा। तो ऐसा कुछ प्लान है। भाई हम लोग ले रहे हैं खाना खाने के लिए, भूख लगी थी बहुत, क्या थे चाइनीज़ फटाफट खा लेते हैं। पनवेल तक जाने तक ना ट्रेन खाली है, उसके बाद ट्रेन पूरी पैक होने वाली है ऐसे सुना है। बस हम लोग तो भाई दुआ कर रहे हैं कि ना 2-3 टिकट कैंसिल हो जाए और हमें ये सीट्स मिल जाए। अभी के लिए हमने यहाँ पे कब्जा मस्त बना लिया है, मस्त से फील ले रहे, गाने वगैरह चालू स्पीकर पे, अभी बंद किया कि कॉपीराइट ना है भाई। अभी तो शुरुआत है, बहुत मज़ा आने वाला है। आप ना ये पूरी सीरीज एंड तक जरूर देखना भाई, सच्ची में अलग लेवल का मज़ा आने वाला है। मुझसे कहे कि मैं हूँ बस तेरा, तू ही मेरा मेरा मेरा। The next morning. मॉर्निंग गाइस, सुबह के 5:45 बजे और हम लोग पहुँच चुके हैं राजापुर रोड और यहाँ से त्रिवेणी वापस जाने के लिए हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा है पकड़ लो। प्रीतम यहाँ पर सो रहा है, हम यहाँ पे सो रही हूँ हल्की थी रात भर सही से, साक्षी ऊपर सो रही हुई है। नींद काफ़ी अच्छी लगी, वो थोड़ी ठंड लग रही थी, एक चादर कैरी करनी चाहिए थी, थोड़ी सी गलती कर दी लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, मज़ा आया। लोग ना इंस्टा पे अपडेट करते जा रहे हैं हम लोग कहाँ पर है क्या कर रहे हैं, तो ना फटाफट से इंस्टा पे फॉलो कर लो क्योंकि हम लोग यूट्यूब पर तो वहीं पहुँचने के बाद डालेंगे एडिट करके, लेकिन इंस्टा पे तो लाइव अपडेट जा रहे हैं तो फटाफट इंस्टा पे फॉलो कर लो। इंस्टा की आपको आई डी आ रही रहेगी, फटाफट जाके फॉलो कर लो भाई, बहुत मज़ा आने वाला है। फाइनली हम लोग सिक्किम पहुंच चुके हैं, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:55 मतलब 9 ऑलमोस्ट बज चुके हैं। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, ऑलमोस्ट 12 घंटे लग गए, ट्रेन ना बहुत रुक रुक के आई, लेकिन फाइनली भाई हम लोग पहुंच चुके हैं गोवा। एक्चुअली अभी हम लोग थीम में उतरे और अभी ना यहाँ से हम लोग बाहर जाके मतलब कैब वगैरह करके, जैसे कि या बस वगैरह करके ना हम लोग को जाना है अभी मेन वाघा साइड पर, तो देखते हैं शॉर्ट करते पहले। तो हमें कुछ भी आइडिया नहीं, फर्स्ट टाइम मैं भी ट्रेन से आ रहा हूँ तो लेट सी कैसे रहता है मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है। बाकी सीन चेक करें, यहाँ पर बहुत लोग यहाँ पर उतरे, मतलब ऑलमोस्ट पूरी ट्रेन खाली हो चुकी है यहाँ पर। और ये अपना प्रीतम भाई, गुड मॉर्निंग। चलो इतने दूर से वो बीच से हमें जाना है लेकिन वो छोड़ के हम लोग यहाँ पर आए, और क्यों आए भाई? सिर्फ इस बोर्ड के साथ फोटो लेने के लिए, समझ रहे हो? हम लोग ने मस्त मस्त प्यारे प्यारे फोटो निकाले हुए हैं। फटाफट जाके इंस्टाग्राम पे चेक करो, सबके इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पे आ रहे रहेंगे। बहुत अच्छे अच्छे फोटो लिए हमने, अभी निकल रहे हैं यहाँ से आगे के लिए और अभी जाके सॉर्ट आउट करते कि भाई कैसे हमें जाना है होटल तक। हमने अभी तक देखा भी नहीं होटल यहाँ से कितना दूर है, बट जब पहली बार मतलब वहाँ से देखा था तो लास्ट टाइम देखा था तो कुछ 17-18 किलोमीटर था। तो लेट्स गो करके देखा कर देगी ओके डालूंगा मैं ये ब्लॉग में डालूंगा। हमने फर्स्ट बस करी थी जो मापुसा तक आई थी, अभी हमने सेकंड बस करी है जिसमें हमें बैठने मिला है। हम पहले मतलब टाइम पास कर रहे थे, फोटो निकाल रहे थे, जिसमें फर्स्ट टाइम हमें बैठने नहीं मिला था, लेकिन अभी बैठने मिला है। अब यहाँ से सीधा जाएगी ये बस कलंगत और फिर वहाँ पहुँच के आपसे मिलता है। वैसे इन लोगों को भी बैठने सीट मिल गई है। हेलो, पहुँच के कुछ नाश्ता करना है भाई। तो यार बहुत थक चुका हूँ, इसलिए मेरे को बहुत भारी भारी बैग उठवा है। देखो मैंने स्वेटिंग देख रही हूँ। यस, पूल में उड़ी मार रही है। भाई हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं और एक्चुअली में हमने मतलब कलंगत अभी पहुँचे हम लोग। एक्चुअली हम लोग ने टैक्सी पूछा था तो 850 रुपीज़ बोल रहा था यहाँ तक आने का, बट हमने क्या किया, हमने ना बस पकड़ लिया मापुसा तक और मापुसा से यहाँ तक, तो हमें 120 टोटल 240 रुपीज़ में हम लोग यहाँ पर आ गए। अभी कुछ नाश्ता करने जा रहे हैं पीछे। हाँ चलो, से आने के बाद ये ज़रूरी था। भाई फाइनली अपना नाश्ता आ गया है। हमने मस्त मसाला डोसा मंगाया, एक सादा डोसा भी मंगाया और उत्तप्पा भी मंगाया। और ये इतना बड़ा है ना कि भाई एक में ही 2 जन का आराम से हो जाएगा। ये भी इतना बड़ा है ना, इसने फोल्ड मार के रखा है। खा पाएगी इतना बुरा लगता है इसमें फूल हो जाएगी तो। चलो कोई बात नहीं, पर सही है, मज़ा आ रहा है, मस्त से खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। अभी भाई नाश्ता हमारा हो गया, काफ़ी अच्छा मील हो गया, मतलब नाश्ता बहुत अच्छे से हो गया। अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और हम लोग प्लान कर रहे हैं स्कूटी लेने। भाई फिलहाल हम लोग आए स्कूटी लेने के लिए, ये स्कूटी लेने का प्लान है। अभी के लिए यहाँ से लेके जाना है क्योंकि आगे जाके सामान वगैरह भी खरीदना पड़ने वाला है। इधर स्कूटी लेके आज कहीं निकलने नहीं वाले बाहर, लेकिन आज लेके रख रहे हैं ताकि कुछ सामान लेना पड़े तो बाहर जाने के लिए मतलब कुछ रहे व्हीकल, तो इसलिए आज लेके रख रहे हैं। और फिर अभी निकलेंगे होटल पे। तो भाई हमने ये स्कूटी लेने का प्लान करा है। आज के लिए हम लोग ये एक ही स्कूटी ले रहे हैं और कल हम लोग 2 लेने वाले हैं, मतलब क्योंकि आज हम लोग को घूमने नहीं जाना है तो एक स्कूटी आज रेंट कर रहे हैं। कल घूमने जाना है, कल बाहर घूमना है, आज तो होटल में पूल वगैरह में घूमना है ना, इसलिए एक ही स्कूटी ले रहे हैं ताकि सामान लेने के लिए साथ में रहे। और कल हम लोग दूसरी स्कूटी भी रेंट करेंगे और मस्त घूमेंगे यहाँ पे बिंदास। तो बाकी गाड़ी ये रही, तो इसको लेके निकलेंगे। गाइस स्कूटी हमने रेंट कर ली, हम लोग निकल चुके हैं पेट्रोल पम्प के लिए क्योंकि स्कूटी में ना पेट्रोल कम है, मतलब आधा लीटर पेट्रोल उन्होंने दिया, उन्होंने बोला पेट्रोल डाल देना जाके। तो अभी जा रहे हैं पेट्रोल पम्प में पेट्रोल डलाने। अमू और उसको मैंने बोल दिया है कि भाई तुम घर पे चले जाओ, रूम पे चले जाओ, हम लोग ना पेट्रोल डला के आते हैं वहाँ पर। गाइस देखो किस तरीके से दिख रहे हो, मैं कैमरे पे हाथ दिख रहे, अरे जोमेटो वाले दिख रहे हैं साले, हरामिले पकड़ तेरे ब्लॉगिंग करनी, सेम जोमेटो जैसा वाला दिख रहा है। बताना कमेंट करके सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अरे भूत, आई एम फीलिंग लाइक कि मुझे ना मेरा हेलमेट कैरी करना चाहिए था। यहाँ पे मोटो ना मस्त बनता है यार, शिट एक गलती कर दी मैंने, लेकिन मैं GoPro लेके आया हूँ तो विल थिंक अबाउट दैट लेटर। अभी के लिए सीन देखो भाई, रोड प्यारे प्यारे और फाइनली गोवा। यस भाई तू हाँ ना, तू पहली बार आया था, और पहले एक बार आया था, प्रीतम भी पहली बार आया, मैं दूसरी बार आया हूँ, पर मैं भी पहली बार आके ज़्यादा नहीं घूमा था, काफ़ी कम घूमा था, तो इस बार बहुत मजा आना है, बहुत मज़े करने वाले। यहाँ पे रोड्स खाली चेक करो, मस्त आजू बाजू में ना पूरा कोकोनट ट्रीज ना बहुत प्यारे लग रहे हैं। चलो चलते पेट्रोल पंप पे। भाई हम लोग पेट्रोल भराने तो आए, लेकिन ऐसे लग रहा है पूरी दुनिया आज ही पेट्रोल भराने आई है, मतलब यहाँ पे शायद पेट्रोल पंप कम रहेंगे ना, उसकी वजह से। पेट्रोल डला के हो चुका है, अभी हम लोग जा रहे हैं रिटर्न होटल पर। होटल पर हम और वो लोग पहुँच चुके हैं, हम और साक्षी पहुँच चुकी है। भाई हम लोग आए एक शॉप में, अपने प्रीतम भाई को यहाँ पे चड्डियाँ खरीदनी थी, लेके नहीं आया था गोवा के लिए, तो अभी यहाँ से ले लेगा। भाई ने ले लिया चड्डियाँ मस्त, तो क्या बार्गेन करा है भाई, इंप्रेसिव भाई, मैं तो मान गया प्रीतम। 450 की तरह डायरेक्ट 300 में ले लिया भाई ने, बढ़िया था। गाइस फाइनली हम लोग अपने होटल पर पहुँच चुके हैं और थैंक गॉड कि यहाँ पर पार्किंग दी हुई है, तो हमने यहाँ पर अपनी गाड़ी को पार्क कर लिया है। और यहाँ पर सामने रहा पूल, और कितना प्यारा भाई अपार्टमेंट मिला है हमें। यहाँ पर रेंट करा है 1 BHK जो हमें पड़ा है, चलो नहीं बताते, काफ़ी अच्छा पड़ गया हमें। तो क्या बोलते हैं प्रीतम, सही पड़ा ना? नहीं बताना नहीं किसको भाई। भाई बहुत सही पड़ा, और 2 दिन के लिए हमने यहाँ पर बुक कर लिया है, तो भाई खतरनाक मज़ा आने वाला है क्योंकि सामने देख रहे हो भाई थोड़े टाइम में इधर ही मिलेंगे हम आपको। हम लोग फाइनली होटल पर आ चुके हैं, अमू और ये लोग हमें मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक रूम खाली हुआ नहीं है, तो हमें थोड़ा वेट करना है जब तक तो वो लोग निकलेंगे, फिर रूम क्लीन वगैरह होगा, उसके बाद हमें रूम मिलेगा। अंटिल देन हम लोग यहाँ पर मस्त चिल करने वाले हैं। अच्छा हो यहाँ पर बैठने के लिए जगह है और थैंक गॉड कि यहाँ पर छाव भी है, तो यहाँ पे बैठ के मस्त से नज़ारे का मज़ा लेंगे। सब लोग थके हुए, तो सबसे पहले जाके सबको फ्रेश वगैरह होना है, थोड़ा हल्का होना है, चेंज वगैरह करना है फ्रेश होके, उसके बाद आके ना भाई यहाँ पर धूप मचाने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। अभी तो धूप भी है, तो थोड़ा सा शाम हो जाएगी ना, मतलब 4 बजे तक थोड़ा हल्का धूप होगा, फिर यहाँ पर आएंगे मस्त मस्त। भाई हमें तो काफ़ी अच्छा होटल मिला है, हम लोग तो बहुत खुश है। अच्छा लगा प्रीतम? अच्छा लगा, बहुत सही प्रॉपर्टी है। रूम अरे हो जाएगा खाली, फिर क्लीन वगैरह होगा ना तभी तो मिलेगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं दे सकते ना, वो गंदा रूम नहीं दे। अभी खाली होगा क्योंकि उन्होंने अभी तक निकले नहीं है, तो शायद जो भी है चलो ठीक है, खाली होगा फिर वो लोग क्लीन करेंगे, फिर हमें देखेंगे। पूल वाले साइड का ना बहुत मज़ा आएगा, यहाँ पर ऐसे मस्त बालकनीज वगैरह भी, तो वहाँ से आराम से पूरा भाई बहुत मज़ा आने वाला है। अभी के लिए तो बहुत थक गए, तो इस ब्लॉग को अभी मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा रहेगा, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये सीरीज़ पूरी देखना क्योंकि बहुत मचाने वाला है, हम लोग बहुत मज़ा करने वाले हैं, तो भाई ये सीरीज़ पूरी देखना ज़रूर से। शाम को सपने का मतलब 12 बजे हम बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले, तो लेट्स सी क्या करते हैं, आपको सब अगले ब्लॉग में पता चलेगा, तो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाय बाय।